जमुई के जाजा में एक दिवसीय भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री बेबी चंकी, जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह के अलावा पार्टी के कई नेताओं ने संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चाएं भी की। वहीं इस बैठक में झाझा नगर अध्यक्ष सूरज सिंह, भाजपा नेता विजय अग्रहरी, नरेश यादव, विकास कुमार के साथ दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग भी लिया। ये हमारा अपना पार्टी का एक ये है कि हम हमारे यहाँ हर 3 माह में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उसी तरह से जिला में जिला कार्य समिति की बैठक होती है, मंडलों में मंडल कार्य समिति की बैठक होती है। हम जो काम करते हैं उसको कार्य समिति में समीक्षा करते हैं। ये हमारा जो यहाँ जिला का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से ये लास्ट हमारा चल रहा है सत्र, 3 साल पूरे हो गए हैं और ये आज लास्ट कार्य समिति की बैठक है। फिर नई कमेटी बनेगी और फिर हम लोग जोश खरोश से काम करेंगे। बिहार में अभी समाधान यात्रा नीतीश कुमार लेके निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अपराध पर ग्राफ में कमी नहीं हो रहा है, कारण क्या है? क्या बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार में ग्राफ संख्या बढ़ गई है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे मंत्री थे सारे लोग अपने काम के प्रति जिम्मेवार थे और काम कर रहे थे, लेकिन जब से ये गए हैं महागठबंधन के साथ, तो महागठबंधन के साथ जाने के बाद जो स्थिति बिहार की बदली, वही जंगल राज आपको देखने को मिल रहा है। आए दिन हत्याएं, आए दिन परेशानियां, लोगों घर से निकलने में परेशानी हो रही है। क्या अटकलें भी लगाई जा रही कि नीतीश कुमार खुद अपना फैसला अपने से नहीं ले पा रहे, वो तेजस्वी राजद के इशारों पर चले? आप देख रहे हैं ना, अभी जो यात्रा जो निकाले हैं वो यात्रा समाधान यात्रा किस चीज़ का, किस चीज़ का समाधान? आज जो इतना वर्षों से उनके पास बिहार की गद्दी है और बिहार के मुखिया है वो, तो बिहार के मुखिया होने के बाद भी उनको समाधान किनसे करना है? जनता का समाधान वो करेंगे ना। और है, अभी बिहार में काफी विवादित एक बयान भी आया था रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा, उस पर क्या कहना है? रामचरितमानस में आप देख रहे हैं कि हिंदू के नाम पे हम लोग मर्यादित बात करते हैं, आप भी हिंदू हो हम भी हिंदू हैं, और जो लोग भी धर्म की बात करते हैं सबको एक दूसरे के धर्म के बारे में सम्मान करना चाहिए, तो हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। अब बाकी लोग को सम्मान करना नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? एक और एक अभी ताज़ा मामला सामने आया था कि उदय नारायण चौधरी, उन्होंने ही अपनी सरकार को लंगड़ी सरकार बोल दिया, क्या इशारा इनका? अब उनको लगा होगा कि उनके सरकार अब एक पैर दो पैर से एक पैर पे आ गए हैं, तो उनको ये बात कहने में अब उनकी कहाँ तक सच्चाई क्या है अब वही जाहिर करेंगे, उस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और क्या भाजपा की जिला कार्य समिति की आज बैठक है, क्या क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी 16 माह पूर्व ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लग गई है, इसी के आलोक में जिला में आज से 4 दिन पूर्व पहली बैठक हुई और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसी आलोक में हम लोगों ने 16 माह पूर्व लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसी के आलोक में आज जिला की दूसरी बैठक झाझा में आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मूल उद्देश्य है लोकसभा चुनाव में 400 की संख्या पार करना। भारतीय जनता पार्टी झाझा नगर अध्यक्ष सूरज सिंह।